वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का इंग्लिश 4 का पेपर हुआ है एंड उसको डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन के क्या आंसर हो सकते हैं। ये हम आंसर आपको अपनी तरफ से बता रहे हैं, कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है हमारे पास। हम अपनी तरफ से आपको आंसर बताएंगे क्या क्या इसके आंसर हो सकते हैं। क्लास 11 का है एंड मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर हुआ है। इंस्ट्रक्शन जो भी दिए गए थे मैंने आपको पहले ही समझाए हुए हैं। यहाँ से आते हैं रीडिंग वाले सेक्शन की तरफ एंड सेक्शन ए आपका 26 मार्क्स का था, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। एंड इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड पूछा गया था जो कि 10 नंबर का है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड आंसर्स को डिस्कस करते हैं क्या आंसर्स होगा इसके। तो नीचे की तरफ आएंगे, ये आपका पूरा पैसेज था जो कि इस तरह से आप देख सकते हैं एंड इसके क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं जिसके अंदर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज वन ऑफ द की चैलेंजेस एसोसिएटेड विद ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे पूछा गया है कि तो जो ब्यूटी है उससे रिलेटेड पूछा गया कि उससे जुड़ी जो है प्रमुख चुनौतियों में से क्या एक है आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए थे एंड इसके राइट आंसर की बात करें हम तो दे हैव बिग इम्पैक्ट ऑन सेल्फ स्टीम एंड मेंटल हेल्थ। तो ये आपका निकल कर राइट आंसर आ जाएगा। बाकी आप पैसेज की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पैराग्राफ में यहाँ पे सेल्फ स्टीम, बॉडी इमेज एंड जो है मेंटल हेल्थ, ये आपको इधर दिख जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे की तरफ हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी फॉर जो है ये आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरे पास पीडीएफ ही ऐसे ही फॉर्म में है तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है नहीं, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझा दूँ। हाउ डू द मीडिया एंड फैशन जो इंडस्ट्रीज है कंट्रीब्यूट टू डिस्टोर्ड ब्यूटी, जो है डिस्टोर्ड ब्यूटी आइडियल्स यहाँ पे बोला गया है। यानी मीडिया और फैशन जो उद्योग है एक तरह से, वो किस तरह जो है उसमें क्या योगदान करते हैं आपको बताना है, आदर्शों में कैसे योगदान करते हैं। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए थे एंड इसके राइट आंसर की बात करें हम तो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, मैंने प्रॉपर आंसर की भी तैयार करी हुई है। जैसे इसका हम देखें तो यहाँ पे आंसर आपका सी, दे हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन सेल्फ स्टीम एंड मेंटल हेल्थ, ये आपका पहले का आंसर था। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था, हाउ डू द मीडिया एंड फैशन जो इंडस्ट्रीज है कंट्रीब्यूट टू डिस्टोर्ड ब्यूटी आइडियल्स। तो यहाँ पे दे यूज जो है एयर ब्रशिंग एंड डिजिटल अल्टर जो है अल्टरनेंस इन देयर जो है एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड ऑप्शन इसका बी राइट होगा ये वाला। तो ये वाला इसका सी हो जाएगा दूसरे का। तीसरे की तरफ हम आते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, वट इज मोस्ट जो है अफेक्टेड बाय द डिस अप्रोप्रिएट इम्पैक्ट ऑफ ब्यूटी स्टैंडर्ड। यहाँ पे जो बोला गया है इनमें से सौंदर्य मानक मतलब है जो मानक दिए हुए सबसे अधिक जो है प्रभावित कौन है असंगत प्रभाव से, अगर हम देखें तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, पीपल विद फेयर स्किन, इंडिविजुअल्स हु कन्फर्म टू जो है, यहाँ पे अगर इसके हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें राइट आंसर तीसरे का, यहाँ पे इसका ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस पे हम आए सेक्शन सी, सॉरी ये आपका जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। आगे की तरफ आए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, व्हाट डज द बॉडी जो है पॉजिटिविटी मूवमेंट जो है प्रमोट, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं एंड यहाँ पे अगर हम देखें इसका राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा। आगे इसमें देखें हम तो यहाँ पे राइट आंसर 4th का आपका दिया हुआ है सी, एम्बरेसिंग एंड जो है लविंग वन्स बॉडी रिगार्डलेस ऑफ साइज ऑफ सेक्स। तो इसका अगर हम देखें इसकी तरफ चले 4th क्वेश्चन की तरफ, तो ऑप्शन सी जो है आपका इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। आगे की तरफ हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर है आपका 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, हाउ हैज सोशल मीडिया, ये आपका यहाँ पे पढ़ सकते हैं एंड इसका राइट आंसर भी यहाँ पे बताया हुआ है। बाकी इसमें देखिए 5वां यहाँ पे दिया हुआ, हाउ हैज सोशल मीडिया कंट्रीब्यूटेड टू जो है रिस्पेनिंग सोसाइटल जो है प्रिसेप्शंस ऑफ ब्यूटी, यहाँ पे दिया हुआ है एंड इसके ऑप्शन दिए हुए एंड राइट आंसर जो इसका अगर हम देखें तो ये 5th का आंसर जो है आपका ऑप्शन सी, बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म ऑफ फॉर इन्फ्लुएंस यहाँ पे एंड एडवोकेट्स टू चैलेंज ट्रेडिशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड। तो ये आपके ऑप्शंस हो जाएंगे। आगे की तरफ आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन पूछा गया 6th, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट इज द मेन जो है यहाँ पे क्वेश्चन 6 को अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन है एंड इसके आंसर आपके ऑप्शंस नहीं दिए हुए इसमें, एमसीक्यू नहीं है बट ये 2 नंबर का है एंड पैसेज की तरफ अगर आप चले तो इसका आंसर आपको पैसेज में ढूंढना था एंड मैं आपको पैसेज के अंदर जा जाके आंसर्स नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर्स बता रहा हूँ
क्योंकि आप सभी ने पैसेज को देख ही लिया होगा, आपको सिर्फ आंसर देखने होंगे कि कौन कौन से आंसर इसके राइट होंगे। तो आइए हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। एंड छठे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया था, छठा क्वेश्चन अगर आप देखें तो इस पैसेज के अनुसार आपको बताना है कि मीडिया और फैशन जो उद्योग है उसके द्वारा बनाए गए जो सौंदर्य आदर्श है उसके मुख्य रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, परिणाम क्या निकलते हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, द मेन यहाँ पे लिखा हुआ आंसर, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो सिक्स का हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या क्या होता है इसमें आप देख सकते हैं, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम आए, सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द पैसेज व्हाई इज द बॉडी जो है पॉजिटिविटी मूवमेंट जो है कंसीडर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रेडिशनल ब्यूटी नॉर्म्स। यहाँ पे सातवां क्वेश्चन पूछा गया था कि शरीर की जो सकारात्मकता है आंदोलन को पारंपरिक सौंदर्य मानदंडों के विपरीत क्यों माना जाता है, आपको बताना था। एंड इसके आंसर्स की बात करें हम तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपको मैच कर लेना है, जस्ट आपने कौन सा आंसर जो है टिक किया मतलब लिखा है आपको मैच कर लेना है। तो ये इसका आंसर था। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है इसका वो पूछा गया था आपका, फाइंड अ वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग जो है इम्प्रैक्टिकल फ्रॉम लास्ट पैरा से आपको जो है ढूंढना था। एंड लास्ट पैरा में अगर आप जाएंगे इसमें आपको ढूंढना है इससे रिलेटेड वर्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है अंतिम पैरा से जो है आपको अव्यवहारिक जो शब्द आपने देखा उसके निकटतम शब्द आपको ढूंढने ऐसा बोला गया था। तो ये आपका दिया हुआ लास्ट पैराग्राफ एंड इसके अंदर आपको ढूंढना है। अगर हम देखें इसका राइट आंसर, एक बार मैं कोशिश करता हूँ, बाकी मैंने आंसर तो बता ही रखे आपको, यहाँ पे आंसर बता ही रखा है। यहाँ पे देखेंगे आप तो अनरियलिस्टिक इसका राइट आंसर आएगा, बाकी इसके अंदर अनरियलिस्टिक कहीं लिखा हो, यहाँ पे देखेंगे अनरियलिस्टिक, तो ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका पहला जो है पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से, जिसके अंदर 8 क्वेश्चन थे एंड ये आपके हो जाएंगे 10 नंबर का पहला पैसेज। आगे की तरफ हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा भी आपका पैसेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था एंड इसके अंदर डेटा बेस पैसेज था बट और ये 8 नंबर का है। इस तरह से ये पैसेज था, आप इसे देख सकते हैं एंड इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछे गए एंड कुछ इस तरह से डेटा दिया हुआ है। एंड एक तरह से जो है ना ये महिला मैरिड जो है वुमेन इन वर्क के ऊपर पूरा का पूरा ये दिखा रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं कि किस तरह से जो औरतों का काम है एक तरह से कभी गिर रहा है, जो एक तरह से सोसाइटी के अंदर वर्क है एंड ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए ये दिखा रखा है एंड यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज अबव। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द इन्फोग्राफिक व्हाट पैटर्न डज फीमेल पार्टिसिपेशन इन द लेबर मार्केट फॉलो ओवर द जो है सेंचुरीज। यहाँ पे बोला गया है कि इन्फोग्राफिक के अनुसार, अब इस पैसेज को देखेंगे तो इन्फोग्राफिक है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये निकाला गया स्टडी से, एक डाटा निकाला गया स्टडी से एंड इन्फोग्राफिक के अनुसार जो ये दिया हुआ है आपका, इसके अकॉर्डिंग देखें तो सदियों से श्रम बाजार में महिला भागीदारी किस पैटर्न का अनुसरण कर रही है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए थे, जैसे ये ऑप्शन थे इसके, अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन आपका बी इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। ये वाला यू सेप जो है कर्व, अगर आप इसको देखते तो यू सेप ही बन रहा है, वो इसका जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आए, दूसरा जिसके इसके अंदर और भी दिया हुआ था, फोर विजुअली चैलेंज जो है कैंडिडेट उनके लिए, ठीक है, ये उनके लिए था। तीसरे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हाट डज जो है यहाँ पे बोला गया, क्लू द गोल्डिंस रिसर्च रिवील अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द लेबर मार्केट एंड जो है इन्वॉल्विंग सोशल नॉर्म्स। यहाँ पे जो बोला गया है क्वेश्चन बोला गया है कि जो है क्लाडिया गोल्डिन के शोध श्रम से जो मतलब शोध किया गया, रिसर्च किया गया, श्रम में महिलाओं की भागीदारी और विकसित होते जो सामाजिक मानदंड है उसके बीच में संबंध, उसके भी संबंध के बारे में क्या पता चलता है हमें, तो आपको बताना है। मैं इसके आंसर्स की तरफ आता हूँ जो कि मैंने अलग से तैयार कर रखे, मैं आपको दिखा देता हूँ आंसर्स आपका यहाँ से जो है दूसरे क्वेश्चंस के आंसर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले का आंसर था आपका यू सेव्ड जो कर्व है ये आपका निकल कर आएगा राइट। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूछा गया है बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाई डज जो है क्लॉडिया गोल्डिन कंसीडर्ड द डिफरेंस इन एजुकेशन एंड परफॉर्मेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन सिग्निफिकेंट। यहाँ पे बोला गया है कि पैसेज के अकॉर्डिंग आपको बताने कि क्लॉडिया गोल्डिन पुरुषों और महिलाओं के बीच जो है शिक्षा और प्रदर्शन में अंतर को महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, आपको बताना है।
एंड यहाँ पे इसका राइट आंसर आप पढ़ सकते हैं, ये इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे की तरफ हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया कंप्लीट द सेंटेंस बेस्ड ऑन पैसेज, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है, इसके आगे से लिखना है, ये आपको पूरा करना है, ये एक नंबर का है। एंड ऊपर का जो दूसरा और तीसरा आपने देखा वो हो जाएगा आपके दो दो मार्क्स के। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है एंड इसमें अगर आंसर बात करें हम, तो आंसर इसका आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। कंप्लीट करना था आपको, तो मैंने कंप्लीट करके आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इन्फ्लुएंस्ड बाय जो है यहाँ पे इधर से लिखा हुआ है, डिसीजंस दैट वुमेन मेक अबाउट देयर प्रोस्पेक्ट्स इन द जॉब मार्केट एंड अबाउट देयर जो है फैमिलीज पर्सनल सर्कमस्टेंसेस, ये इसको आपको यहाँ से लिखना था। तो ये हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो बोला गया है ट्रू यानी सच है या नहीं आपको बताना है, गलत है या सही है आपको बताना है यहाँ पे। तो द पैसेज इम्प्लाई जो है दैट वुमेन्स प्रोग्रेस इन एजुकेशन हैज नॉट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू रिड्यूसिंग द जेंडर पे गैप। यहाँ पे अगर हम देखें ये जो क्वेश्चन है आपका पांचवा बोला गया है, इसमें आपको जो है पांचवा बोला गया है जो पैसेज है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना कि शिक्षा में जो महिलाओं की प्रगति ने लैंगिक वेतन अंतर को जो है कम करने में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि दिया है शिक्षा ने, दिया है इनके अंतर को जो है कम करने का प्रयास किया है। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एंड राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा गलत। द पैसेज इंप्लाइज दैट वुमेन्स प्रोग्रेस इन एजुकेशन इज सिग्निफिकेंट बट दैट जेंडर जो है डिसएपरेटीज इन जो है एम्प्लॉयमेंट आर नॉट स्लोली ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन इन द लेबर मार्केट अदर फैक्टर्स सच एज डिसीजंस मेड बाय वुमेन अबाउट देयर प्रोस्पेक्ट एंड फैमिली सर्कमस्टेंसेस आल्सो प्ले अ रोल। तो ये इसका राइट आंसर आपका फॉल्स आ जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। आगे की तरफ आते हम, छठे क्वेश्चन की तरफ। इसमें रीजन और जो आपका अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन भी दे दिया था इसमें, एंड इसके आंसर की बात करें अगर हम, तो इसका आंसर आपका निकल कर आ जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं आंसर आपका, ये आपका अभिकथन जो दिया हुआ है वो सही है बट रीजन जो है वो गलत है, तो वो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये दूसरा जो पैसेज वाला क्वेश्चन था इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी ने आंसर्स ऐसे ही लिखे होंगे, आई होप कि आपका पेपर भी अच्छा गया होगा। आगे कमेंट करके भी जरूर बताना कि कैसा गया पेपर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, थर्ड क्वेश्चन है आपका, एंड ये भी पैसेज के ऊपर ही है बट इसके अंदर आपको नोट मेकिंग तैयार करनी थी। एंड इस पूरे पैसेज को देखेंगे ये किसके ऊपर है एंड इसके बाद आपको नोट मेकिंग तैयार करनी है एंड साथ ही साथ समरी भी करनी होती है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज मेक नोट्स ऑन इट इन इम्पोर्टेंट इन पॉइंट्स ओनली यूजिंग एब्रीवेशंस वेयर एवर नेसेसरी ऑल्सो सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल राइट अ समरी ऑफ दूसरा जो बोला गया समरी के लिए 50 वर्ड्स के अंदर आपको बताना है समरी। तो ये आपका क्वेश्चन है, चलिए मैं इसको इसके आंसर आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से इसके आंसर मैंने बना रखे, आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका क्वेश्चन था जिसके अंदर आपका आपको जो है सबसे पहले मेड नोट मेकिंग तैयार करनी थी। तो यहाँ पे टाइटल देख सकते हैं द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ जो है हॉबीज यहाँ पे लिखी हुई है एंड इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है नोट मेकिंग करते समय, कुकिंग फॉर सेल्फ स्टीम यहाँ पे बताया हुआ है जो है, जर्नलिंग फॉर हैप्पीनेस यहाँ पे बताया हुआ है, कलरिंग फॉर क्रिएटिविटी एंड यहाँ पे जो है कंक्लूजन। तो ये आपका कुछ इस तरह से इन्होंने नोट मेकिंग तैयार हुई है, तो इस तरह से आपको भी करनी थी। एब्रीवेशन यहाँ पे यूज नहीं किए गए, आप कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको नहीं करके दिखाया, इसमें भी आपको ये वो भी करना था। तो ये आपका हो जाएगा एंड इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद समरी आपको तैयार करनी थी जो कि 50 वर्ड की होनी चाहिए। तो द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ हॉबीज जो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसकी समरी 50 वर्ड के अंदर कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है सेक्शन ए कम्प्लीट हो जाता है, इसके आंसर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम आपने यही लिखा हो, मुझे पता है कि बहुत बदलाव होंगे, सेम तो हो ही नहीं सकता किसी का भी, लेकिन कुछ इस तरह से ही आपको बनाने थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपका पूरा सेक्शन एक कंप्लीट हो जाता है जिसके अंदर हमने आंसर्स डिस्कस किए इसके। आगे के क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा, ये यहाँ तक ही हम रहने देते हैं पहले पार्ट को, आगे के क्वेश्चन आंसर हम सेकेंड पार्ट में समझेंगे जिसमें आपका, क्योंकि देखिए इंग्लिश का पेपर है एंड इसके जो है आंसर की ऑफिशियल तो बहुत टाइम लगेगा आने में एंड आंसर्स भी है ना इसके बनाने पड़ते हैं। अभी देखिए सेक्शन बी रह गया है,
सेक्शन बी में जो आपका रहेगा, आपका जो है एक तरह से पोस्टर, एडवर्टीजमेंट, स्पीच, इस डिबेट, इसके ऊपर पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। तो मैं जल्दी इसको भी प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, एंड किताब के क्वेश्चन आंसर भी आपको जल्दी जो सेकंड पार्ट वाली वीडियो उसके अंदर मैं दोनों आपको जो है करवा दूंगा। बाकी फर्स्ट पार्ट यहीं तक रहने देते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको नीचे जो है सब्सक्राइब का बॉक्स मिल जाएगा कुछ इस तरह से, सब्सक्राइब का बॉक्स, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, एंड बेल आइकन को सेलेक्ट करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।